आज हम बनाएंगे कुट्टू की पूरी। कुट्टू को इंग्लिश में बकवीट फ्लावर कहा जाता है और ये ग्लूटेन फ्री और वीगन होती है। जनरली हम कुट्टू की पूरी शिवरात्रि के व्रत में या एकादशी के व्रत में या नवरात्रि के व्रत में बनाते हैं। चूंकि अभी नवरात्रि का सीजन है, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए ये रेसिपी बनाई जाए। अगर आप जनरली व्रत करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कुट्टू का आटा कितना यूजफुल है, उससे हम क्या कुछ नहीं बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसकी पूरी, बहुत टेस्टी होती है और इसको मैंने सर्व किया है व्रत वाले आलू की सब्जी के साथ। इस सब्जी की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अभी बनाते हैं क्रिस्पी कुट्टू की पूरी। तो दोस्तों, कुट्टू की पूरी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी, जिसे हम जरूरत अनुसार यूज करेंगे। फिर हमें चाहिए कुट्टू का आटा लगभग 2 कप या 250 ग्राम। फिर हमें चाहिए उबले हुए आलू, यहाँ मैंने 2 आलू की यूज़ करी है। और साथ ही हमें चाहिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जिसे इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो सबसे पहले एक मीडियम साइज बोल में आप 2 कप कुट्टू का आटा डाल लें, जैसा मैंने आपसे कहा ये 250 ग्राम के आसपास है। फिर आप इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल लें। सेंधा नमक यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच की यूज़ करी है, आप चाहें तो आप अपना ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे आलू डालना है, यहाँ मैंने 2 आलू को ऐसे बीच से डाइस कर लिया है और फिर इसे उबाल लिया है और फिर इसे पील करके ठंडा करके हम इसमें डाल देंगे। अब आलू को हम अपने हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। तो दोस्तों, आलू को हमें इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है, आलू से हमारी पूरी में एक डेप्थ आएगा। उसके बाद हम उबलता हुआ पानी डालेंगे। चूँकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम एक स्पून की मदद से इसे मिला लेंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाए फिर ऐसे हाथों से एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि डो स्टिकी नहीं होना चाहिए। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में अपने हाथों में घी लगा लें और फिर इसका इस तरह से लोई काट लें और फिर ऐसे अपने हाथों के बीच में रख कर इसे फ्लैट कर दें। अगर आप रोलिंग पिन में रोल करने जाएंगे तो ये फट सकता है, इसलिए आप हाथों के बीच में रख कर ही इसे फ्लैट करें। ये सबसे आसान तरीका है और बिल्कुल नो फेल रेसिपी। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 कप देसी घी ले लिया है। चूँकि हम फ्राई करेंगे तो घी बहुत गर्म होना चाहिए। अब घी में आप इस तरह से पूरी को डालें और इसे अच्छे से फ्राई करें। दोस्तों जब भी हम पूरी फ्राई करेंगे, हम इस बात का ध्यान देंगे कि हमारा तेल या घी बहुत हॉट होना चाहिए, बहुत गर्म होना चाहिए, वरना हमारी पूरी नहीं फूलेगी। अगर आप तेल से फ्राई करना चाहते हैं तो आप ग्राउंडनट ऑयल या बादाम का तेल का इस्तेमाल करें। और देखिए दोस्तों, बातों बातों में हमारी कुट्टू की पूरी बिल्कुल तैयार हो गई। तो दोस्तों, है ना ये एक आसान सी रेसिपी जिसे आप मिनटों में बना सकते हो। आप इसे व्रत वाले आलू की सब्जी के साथ सर्व करें और ये खाने में बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको डेली ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपीज मिलते रहेंगे जो आपने शायद कभी भी नहीं खाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रेंड्स। बॉन एपेटाइट।